लाडवा के अंदर चोरियों की घटनाएं बिल्कुल कंट्रोल है। 15-20 दिन में एक चोरी हुई है, बिल्कुल कंट्रोल है, कंट्रोल की तरफ है। और ये जो चोरी हुई है 15-20 दिन बाद किसी में रोड से न होकर पीछे से सर, आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया दुकान के अंदर लगभग 14-15 लाख रुपए का। सर रात पुलिस कहाँ पे थी, गश्त कहाँ कर रही थी? शहर के अंदर पेट्रोलिंग थी, 4-5 पार्टियाँ पेट्रोलिंग पे। सर लाडवा के अंदर चोरी की वारदात बहुत बढ़ती जा रही है, कल रात भी एक बहुत बड़ी चोरी होगी, क्या कहना है इस पर? देखिए, लाडवा में पहले बड़े अपराधी तत्व तो रहा करते थे और जो है ना मारपीट भी खूब करते थे। पिछले 5 साल के कार्यकाल में उस पर तो हमने बिल्कुल पूर्ण रूप से विराम लगा दिया। जो इस प्रकार के अपराधिक आदमी थे, या तो शहर छोड़ के चले गए या जेलों के अंदर हैं। लेकिन जो चोरी की जो वारदात है, ये हमारा उत्तर प्रदेश से जो लगता इलाका है सारा, इसमें वारदात 10 दिन बाद 20 दिन महीने बाद होती रहती है। तो इसके लिए मैंने पिछले दिनों डी प्लान से कुछ कैमरे लगवाए थे शहर के अंदर, जिनका कंट्रोल जो है हमारे पुलिस थाने के अंदर है। लेकिन आज हमने इस अग्रवाल सेल्स कॉरपोरेशन पे जो रात को चोरी हुई और वो पीछे छत के ऊपर से जो है ना दरवाज़ा तोड़ करके वो नीचे आया है, बड़ी निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटनाएं शहर के अंदर नहीं होनी चाहिए। सर, इसकी चिंता करते जैसे पिछले दिनों भी होती रही है ना, तो उसकी चिंता करते सारे अधिकारी यहाँ थे, SDM साहब को बुलाए, SHO साहब बुलाए और अभी FSL की टीम भी आई मधुबन से, तो इनसे और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भी, हमारे सेक्रेटरी, सारे अधिकारियों को बुला लिया यहाँ। अब हम जो है ना पूरी योजना बना रहे हैं भी शहर के अंदर इस प्रकार की चोरियों की वारदात ना हो, तो उसके लिए सोचा भी सब जगह कैमरे लगे और जो भी हमारी एंट्री एग्जिट हैं हमारे शहर के, वहाँ पर गेट बनाए, चौकीदार बैठे, जिस प्रकार के वारदातों में हम लोग जो है ना चोरियों में कमी ला सकें। दिवाली से लेकर सर आज तक 15 चोरी टोटल हो चुकी है और एक भी लाडवा पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। ये देखिए, पुलिस कार्रवाई करती है, ये जनता को कार्रवाई करते दिखते नहीं ना, इनकी SIT भी गठित होती है, ये उसको चेक भी करते हैं, उसकी जो है ना जहाँ जहाँ दबिश भी मारते हैं अंदर भी करते हैं, लेकिन खुलासा तब करते हैं जब इनके पास चोरी ट्रेस होकर के पता लग जाती है। तो पुलिस अपना काम करती है, लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है जिसको हमने बड़ी संज्ञान लेते अधिकारियों से चर्चा करके इसको हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे भविष्य में मेरी विधानसभा क्षेत्र में चोरी की वारदात ना हो।